और से हारून। अच्छा ये कब बनाया तुमने गाना? ये पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते? हाँ। You mean it's very recent? हाँ, very recent। ये तो अभी मैं कुछ देर पहले लोगों से इसके लिरिक्स पूछ रहा था यार क्या होने चाहिए। Wow, you know what? I loved the song. It was really, really Thank you. Different and very बड़े मजे का था। What did you think, Ali? Yeah, well, to be honest, मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल कोई कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि मेरे उस्ताद जितने वो सामने बैठे हैं। हाँ, लेकिन तुम अपनी तो राय बता सकते हो। Definitely, you know, I like his song. You know, his style, especially ये जो जोर लगाने वाला style है स्टेज पे आके यूं करके। I know. Now, this is like absolutely. He has his own way of performing, which is so cute. I like that. Yeah, I like that. Very cute. Anyways, चलते हैं हम अपने जजेस की तरफ और जजेस में सबसे पहले हम पूछेंगे मिकाल हसन से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी गाने की। थैंक यू सर। और बिल्कुल मजेदार, और तुमने फाइनली अपने स्टाइल में तुमने की कुछ किया। शुक्र है। नहीं तो कवर्स ही गा रहे थे तुम। बिल्कुल सर। जब आप अपना गाना करेंगे तो हम लोग म्यूजिकल अरेंजमेंट्स भी सुन रहे होंगे साथ साथ, बिकॉज वो आपके आइडियाज ही हैं जो कि बैंड प्ले कर रहा है। बिल्कुल सही। तो वो आई थॉट के ये पहली बार है पूरे शो में कि मैंने बेस सोलो सुना और पूरा बैंड इसमें टोटली इन्वॉल्व था। I'd like to thank the band for it. Good job guys. Bahut acha. Sounded really nice. Sounded very nice. I thought के ये बड़ी ही एक अच्छी अरेंजमेंट तुमने की थी। सारे पार्ट्स क्लियरली डिफाइंड थे। बीच में एक तुम्हारा वो एक वोकल टॉकिंग सेक्शन भी था। It was quite unique. तो as far as the song goes, I thought it was really good. Good job man. Thank you sir. And what grade are you going to give him? Seven out of ten. Good marks. Good on you. And
मोहम्मद हसन पप्पू साहब से पूछते हैं। हमेशा की तरह वही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो ट्यूनिंग पे है। बिल्कुल सही। अगर आपका बैंड ने साथ दे दिया तो आपने बैंड का साथ कम दिया। बिल्कुल सही है ना। लेकिन ट्यून अच्छी थी, कुछ सेक्शन थे इसके जो तो काफ़ी चेंज भी थे, काफ़ी अच्छे थे, एनर्जी वाइज बड़ा अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आपको ट्यूनिंग पे उसी तरह काम करना है। बिल्कुल सही सर। काफ़ी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। बिल्कुल सही। मार्क्स दे दीजिए प्लीज। बहुत अच्छे मार्क्स। और अब चलते हैं अली हैदर की तरफ, but Ali, your comments, not the marks. I think it was not only entertaining, but funny and dark also. काफ़ी इसमें वैरायटी आपने दिखाई और अच्छी बात मुझे ये लगी। ट्यूनिंग का मसला तो खैर आप वो बात सही है कि आपको ये ओवरनाइट नहीं चीज़ सही हो सकती, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि काफ़ी जगहों पे आज आपने जो आप आवाज़ को रोकते थे आज आपने रोकी नहीं है, आप आवाज़ को थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। yes, तो वो चीज़ मुझे वाज़े इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। लेकिन ट्यूनिंग का काफ़ी जगह मसला है, पप्पू साहब ने भी आपको बताया, तो वो अब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लग रहा है कि आप उस पर काम कर रहे हैं और गाना नया था और अच्छा था, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये वो गाना है जो टीन एजर्स में या जो पॉप ओरिएंटेड जो हमारी कॉम है उसमें ये काफ़ी हिट करेगा। तो जब ये स्टूडियो में जाएगा बहुत मज़ेदार नंबर निकलेगा। एज ऑलवेज जो आपके अपने नंबर्स हैं वो सारे बड़े एंटरटेनिंग है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि ये डार्क भी बड़ा था। Exactly. पॉड्स का स्ट्रक्चर हाँ, वेरी डिफरेंट। कीप इट अप, बहुत अच्छा। थैंक यू।